तो मैं व्हाइट बोर्ड से आप लोग एक्सप्लेन कर रही हूँ, दिस इज योर मैथ्स क्लास, सो इट विल बी ओके. ठीक है, तो मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड शो कर रही हूँ. आप लोग का आज मेंटल मैथ्स का पीरियड है. आई एम जस्ट एक्सप्लेन इट, टू थ्री एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. देन आफ्टर हम अपनी मैथ्स की ही बुक कम्प्लीट करेंगे. ओके ठीक है, जो आपका असाइनमेंट हमारा 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो गया था. अब हमारा था पेज नंबर MCQ रिवीजन वर्कशीट है. ठीक है, रिवीजन वर्कशीट है. मैं आपकी टुमारो ऑनवर्ड्स में भी, अगर मेरे मैथ की क्लास है तो मैं आप लोग का वर्कशीट, रिवीजन वर्कशीट है ये, आपको एज ए टेस्ट लेनी है. तो आप लोग अपना कैमरा ऑन करके स्क्रीन पे ही शो करके और आप ये टेस्ट कंप्लीट करेंगे अपना. ओके तो ये होप तो आज मेरा कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, तो आप लोग का ये मैं बाद में लूंगी. बाकी है द फोर फंडामेंटल्स ऑपरेशन, तो ये हम जब हमारी क्लासेस के साथ साथ लेंगे अभी अब. तो ठीक है, इसको हम लीव इट छोड़ देते हैं और हमारी कंटिन्यू करते हैं हमारी मैथ्स की बुक के साथ, जो हमारी मैथमेटिक है, कंपोजिट मैथमेटिक, उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं. वन सेकेंड बेटा, आप लोगों ने हैंड रेज किया है. वन सेकेंड. यस सोनू गुप्ता, खुशांश. यस मैम. यस आपके पास रीनेम का ऑप्शन नहीं आ रहा है? यस मैम. ठीक है, मैं कर देती हूँ आपका. हाँ बोलिए, आपको क्या पूछना है? नो मैम, वो तो पहली क्लास का दूसरी क्लास का एंड है. अच्छा, तो आप हैंड्स डाउन कर लीजिए. आई एम कंफ्यूज्ड. जो आप लोगों ने अभी कुछ क्वेश्चन पुट अप करने हैं उससे रिलेटेड करना, क्योंकि आप लोगों का चैट बॉक्स नहीं है ओपन अभी, तो आप लोग प्लीज हैंड्स डाउन कर दीजिए. यस मैम. ओके सो हमारी मैथ की बुक चैप्टर नंबर 3, लार्ज नंबर चैप्टर नंबर 3 है, लार्ज नंबर्स. आई हैव डन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके, हमारा डन हो चुका है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हैव डन. एक्सरसाइज 3 हैव डन, हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हैव डन. ओके, and exercise 4, arrange ascending and descending orders. Okay, first of all, which one is the greater? Iska open rakhiye. Okay, first question hai aap logo ka. 2, 5, 4, 2, 5, 4, 7, 6, 8, 0, 1. ओके, आपको फाइंड आउट करना है विच इज ग्रेटर और बिटवीन, किसके बिटवीन. सेकेंड नंबर है आपका 2, 2, 8, 4, 5, 7. ओके, अब आपको सबसे फर्स्ट थिंग आपको क्या फाइंड आउट करनी है, आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू, वी विल चेक, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स.
ठीक है, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स है जो हमारी उसको काउंट करनी है। जो फर्स्ट स्टेप है, जो काउंट करिए आपका जो फर्स्ट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, हाउ मेनी डिजिट आर देयर, 8 डिजिट, एंड नेक्स्ट वन 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 8, दिस इज द 8 डिजिट, दिस वन इज द 8 डिजिट, एंड नेक्स्ट वन इज अ 7 डिजिट, तो विच वन इज अ ग्रेटर, दैट इज वेरी सिंपल, जिसके डिजिट्स हमारी ज्यादा है हमारा ग्रेटर साइन किधर किधर होगा हमारा, यस ओके, तो हमारा ग्रेटर साइन कौन से डिजिट की तरफ आएगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख एंड करोड़, 2 crore 54 lakh 76,801, ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल, अगर आप लोग के डिजिट काउंट करने हैं और आपको ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, अगर आप लोग के डिजिट सेम है, अगर आप लोगों की जो नंबर ऑफ काउंटिंग है वो सेम है, जैसे 2, 5, 6, 7, 8 है, देन नेक्स्ट वन 2, 4, 6, 7, 8, ओके सेम है आप लोगों की 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, बोथ आर सेम, so what will we do, dono same hai hamare, this is also same and this one is also same, dono ke number of digit same hai, so just go at the last place value, theek hai, to hum sabse last mein kis hum kiske upar jayenge, sabse last place value kaun si hai hamari, 2, sabse last place value hamari 2 and this is also 2, both are same, 2 and 2 both are same, अगर आपके दोनों डिजिट सेम है बिटवीन द टू डिजिट, तो आप गो टू द नेक्स्ट डिजिट, ठीक है, फिर हम सेकंड प्लेस पे जाएंगे, 5, आपको जब भी हम ग्रेटेस्ट डिजिट फाइंड आउट करते हैं तो सबसे फर्स्ट थिंग कि हमें लास्ट वाले डिजिट से स्टार्ट करना है, जो सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, जो सबसे हाईएस्ट प्लेसेस है, जो सबसे हाईएस्ट प्लेस है उससे हम स्टार्ट करेंगे, अगर सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे, अगर नंबर ऑफ डिजिट में डिफरेंस है तो जो आपका नंबर हाईएस्ट है उसको हम ग्रेटर साइन सिंबल लगाएंगे, अगर आप लोग के दोनों डिजिट सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है, देन स्टार्ट द लास्ट प्लेस वैल्यू, तो किसके साथ स्टार्ट करेंगे हम लास्ट प्लेस वैल्यू से, अगर बोथ आर सेम देन गो टू द नेक्स्ट डिजिट, अब 5 and 4, विच वन इज अ ग्रेटर, 5, तो हमारा जो साइन है वो किधर की तरफ लगेगा, 5 की तरफ, ओके, इफ इट इज पॉसिबल दैट कि बोथ आर सेम, अगर उसके बाद भी ये सेम होता, अगर इधर 2, 5, ठीक है, 6, 7, 8 है, नेक्स्ट वाले डिजिट में 2, 5, उसके बाद होता 4, 7, 8, ठीक है, तो ये दोनों डिजिट क्या हो गए, सेम हो गए, दिस इज ऑल्सो सेम, 2, 5, सेम 2, 5 इज ऑल्सो सेम, अब गो टू द नेक्स्ट डिजिट एंड 6 and 4, विच वन इज ग्रेटर, 6, तो हमारा वापिस से साइन इधर की तरफ आएगा, इसी तरह से हम क्या करेंगे, एट लास्ट, अगर आप लोगों के सारे डिजिट सेम है तो गो टू द एट लास्ट डिजिट, आप सबसे लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे, अगर आपका वो क्या है उसमें तो जरूर डिफरेंस होगा, ठीक है, अगर वो सेम है तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे, अगर वो डिफरेंस है तो ग्रेटर एंड ग्रेटर का साइन लगाएंगे, जो भी आपका हाइएस्ट डिजिट है, ठीक है, इन केस जैसे मैंने आपको यहाँ लिख दिया 5, 6, 7, 8, ओके, जो नेक्स्ट वन है वो है 5, 6, 7, 9, ठीक है, अब 5 इज ऑल्सो सेम, 6 इज ऑल्सो सेम, 7 इज ऑल्सो सेम, तो हम कौन सा वाला डिजिट देखेंगे, एट लास्ट डिजिट कौन सा है, 8 एंड दिस वन इज 9, ठीक है, तो विच वन इज ग्रेटर, 9 इज ग्रेटर, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 9 की तरफ ग्रेटर साइन लगाएंगे, ओके, is that clear, greatest and greatest number, find out the greatest number, yes, is that clear, yes ma'am, yes ma'am, yes, yes. You also done your last classes also, ye cheeze main last classes mein bhi bahut detail mein padha chuki hu, I just revise, main ek bar recall kar rahi hu because of that ye aapke chapter mein hai, okay, अपने हैंड रेस किया है बेटा, जिन्होंने पहली क्लास के अंदर कर रहा था प्लीज हैंड्स डाउन कर लीजिए, आई एम कंफ्यूज्ड, फिर मैं वन बाय वन, हमारा टाइम कंज्यूम होता है कि हम, यस खुशी एनी प्रॉब्लम, अंशिका को प्रॉब्लम है,
खुशी, एनी प्रॉब्लम है? वेरी गुड मॉर्निंग खुशी, कोई प्रॉब्लम है? मैम हमने अभी भी क्लास ज्वाइन किए थे, बता सकते हैं कौन सी बुक में करना है, मैथ्स या मैथमेटिक्स? नहीं, कंपोजिट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 लिखा है बेटा, लार्ज नंबर। मैम पेज नंबर? पेज नंबर है हमारा 23, पेज नंबर है 23। थैंक यू मैम। ओके नेक्स्ट। यस यस अंजलि। मैम हमें कॉपी में लिखना है? नहीं बेटा, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब मैं आपको बोलूँ तभी आपको नोट डाउन करना है। ओके यस याशिका। मैम मुझे होमवर्क में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन है? मैम हमें जो होमवर्क मिला है, मैम जो आपने करवाया था एक्सपेंडेड फॉर्म के बाद काउंटिंग इन थाउजेंड वाला एक्सरसाइज 3, मैम उसके बाद हमें दो पेजेस छोड़ के फिर होमवर्क करना है या उसके पहले करना है? मुझे समझी नहीं है, मतलब क्यों पेजेस छोड़ने हैं आपको? मैम जो ये वाला आपने क्वेश्चन करवाया था उसके यहाँ उसके उसके बाद वो करना है या उसके पहले करना है वो वाला क्वेश्चन? बाद में कर लेना जैसा आपको ठीक लगे, चेकिंग तो मुझे करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है? आपके लिए जैसे कन्वीनियंट हो वैसे कर लो। यस नेक्स्ट। यस ईशान, व्हाट्स द प्रॉब्लम ईशान? मैम आज तो मेंटल मैथ्स का पीरियड था। हाँ बेटा मेंटल मैथ्स का पीरियड है, तो अब तक का जो आपका कोर्स के अंदर था ना वो तो मैंने करा दिया, अब जो एक्सरसाइज है वो उस चैप्टर से रिलेटेड है, तो आफ्टर दैट मैं उससे कराऊंगा, ठीक है? यस शुभम। शुभम यस मैम। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। प्लीज हैंड्स डाउन कर लीजिए बेटा, आई एम कंफ्यूज। एंड आपको कुछ कहना है तनिष्का? अंशिका आपको? वन सेकेंड। यस अंशिका। मैम मुझे आपके फोन नंबर दे दो व्हाट्सएप के। व्हाई? मैम वो हमारा सेकंड चैप्टर नहीं हो रखा कॉपी में। तो मैंने पीडीएफ सेंड करी, यू आर नॉट इन ग्रुप, आप ग्रुप में नहीं है? मैम फिफ्थ वीक के ग्रुप में है हम। इसमें मैंने सब कुछ प्रोवाइड कराया है ना बेटा? लेकिन हमें तो मिला ही नहीं। ठीक है मैं एक बार वापस से रीसेंड कर दूंगी अगर आप ग्रुप पर हैं। ओके ओके मैम। बेटा ये जो आप लोगों को कंफ्यूजन है, जो पूछना है, जो भी कुछ करना है वो लास्ट में करेंगे, लास्ट के 10 मिनट्स में, ठीक है? इस तरह से हमारी कंटिन्यूटी छूट जाती है स्टडी की। Is that clear? Greatest and अब हम पढ़ेंगे ascending and descending order. Yes, note down करना अब आप लोग अपनी copies में, okay? Ascending. Ascending order. One second. Asking. देखिए दिया the number. From. Smallest to greatest. Smallest to greatest. Next is descending. The number. From greatest to smallest. Mm-hmm.
ओके हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल नंबर 3। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं, इट्स ओके। हम एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2 का, हम एक ही से दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अच्छा हम सेकंड लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज डाल दीजिएगा 4। एक्सरसाइज है 4, क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर है, DESCENDING, descending order, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कंप्लीट लाइन लिखे, ठीक है। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हमारा फर्स्ट ही लेते हैं हम, ए सेकंड का 1, 2, 9, 6, 57, 84, नेक्स्ट है कॉमा 3, 0, 7, 6, 8, 9, 7, नेक्स्ट कॉमा 1, 2, 9, 6, 5, 4, 5, 0, 3, कॉमा 2, 7, 8, 9, 8, देन कॉमा 2, 1, 3, 4, 5, 6, 0, 3, ओके। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू व्हाट विल वी डू, फर्स्ट थिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस, सबसे पहले हम प्लेसेस लिखेंगे। फर्स्ट प्लेस होता है हमारा वर्न्स, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, वर्न्स सबसे हाईएस्ट प्लेस है, वर्न्स, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख एंड करोड़, 10 करोड़। मैं उल्टा लिख रही हूँ, आप लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ लैपटॉप उल्टा चलता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट होता है, और हम डिजिट को राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट करता है, ठीक। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी कॉपीज में लिखिए, 10 करोड़, करोड़, 10 लाख, लैक्स, 10,000, थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस एंड वन, ओके। सबसे फर्स्ट वैल्यू हमारी हम पुट करेंगे 1, 2, 9, 6, 7, 9, 6, 5, 7, 7, 8, 4, 1, 2, 9, 6, 5, 7, 8, सॉरी बेटा, एक एक डिजिट को शिफ्ट कर देना, ओके। आप लोग अरेंज करिए अपनी अपनी कॉपी में, आप लोग आंसर नहीं कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है 3, 0, थ्री जीरो, थ्री जीरो, सेवन सिक्स, वन सिक्स, एट नाइन सेवन, एट नाइन सेवन। नेक्स्ट है आप लोगों का 1, 2, 1, 2, 9, 6, 5, 4, 5, 0, 3, 5, 0, Oh,
503. नेक्स्ट वन है आप लोगों का 2, 7, 8, 9, 9, 8 and 8. नेक्स्ट है आप, नेक्स्ट है 2, 1, 3, 4, 5. टू वन थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो. इससे बेटर तो ये होता है आप लोग अभी मुझे आंसर कर देते. यस ओके. सबसे फर्स्ट थिंग हम लोग प्लेसेस लिखेंगे, देन अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस. दैट विल बी वेरी इजी कि अब हम ये बता सकते हैं कि विच वन इज अ ग्रेटेस्ट, विच वन इज अ स्मॉलेस्ट. ओके, सबसे फर्स्ट थिंग आप इसी तरह से कॉपी में करेंगे सेम थिंग. सबसे फर्स्ट थिंग यस, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, जब भी हम ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, जब हम स्टैंडिंग ऑर्डर्स लगा रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, सबसे हाईएस्ट प्लेस है 10 करोड़ है. तो 10 करोड़ में कौन सा डिजिट आ रहा है हमारा, 12. ठीक है, 10 करोड़ में हमारा 12,96,54,503. अब इसको हम पोजीशन देंगे 1. ओके, ये हमारी हो गई फर्स्ट नंबर पे. ठीक है, हम कौन सा ऑर्डर कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, तो ये हमारी प्लेस हो गई 1. ओके, तो हमने इसको 1 नंबर दे दिया. सेकंड है, आप इसको ओके. नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट है हमारे डिजिट है करोड़. 10 करोड़ के बाद हमारी नेक्स्ट डिजिट आती करोड़. करोड़ में 1 and 2, विच वन इज द ग्रेटर, 2 डिजिट, 2 इज ग्रेटर. तो सेकंड नंबर हम किसको देंगे, 2,13,45,603. ओके, तो हमारा सेकंड नंबर जाएगा. ओके, मैंने अपोजिट कर दिया. थर्ड है हमारा 1 करोड़, ओके. नेक्स्ट है हमारा 4. अब आपके पास है 4 में 10 लाख. 10 लाख में कौन सा है, 3 and 2. 10 लाख में आपका कौन सा है, 30 लाख या 27 लाख. तो 30 लाख कौन सा है हमारा ग्रेटेस्ट है, तो ये हमारी पोजीशन गई इसको 4th पोजीशन. ओके, अब आपके लिए ये इजी हो जाएगा सॉल्व करना. ये हो गया आपका 4th पोजीशन और 27 है आपका लास्ट 5th पोजीशन. ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5 अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस, दैट विल बी वेरी इजी टू फाइंड आउट द विच वन इज द ग्रेटर एंड अरेंज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर एंड अरेंज इन अ असेंडिंग ऑर्डर. दैट इज आफ्टर दैट, है ना, हमारे लिए क्या हो गया, बहुत इजी हो गया, क्योंकि हमने प्लेसेस के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू पुट कर दी है. और उसके बाद हमारे लिए सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू थी हमारी 10 करोड़. तो 10 करोड़ भी हमारी फर्स्ट नंबर, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर दैट सेकेंड नंबर पे कौन इससे हाईएस्ट, इससे लोअर है. ठीक है, देन 1 and 2. 1 and 2 करोड़ में है, तो 1 में से 2, विच वन इज ग्रेटर, 2 करोड़. तो हमने 2 करोड़ को सेकेंड पोजीशन दी है, देन 1 करोड़ को थर्ड पोजीशन. अब 30 लाख एंड 27 लाख, 30 लाख इज ग्रेटर, तो 4th पोजीशन हमने 30 लाख को दी है और 27 5th को दी है. अब इन्हें अरेंज कर देंगे हम. फर्स्ट पोजीशन पर है, आप अरेंज करते जाइए फास्ट अपनी कॉपी में. 1, 2, 9, 6, 5, 4,
मुझे दिखाई नहीं, प्रॉब्लम आ रही है। 503 देन कॉमा नेक्स्ट है 213 213 45 603 देन कॉमा थर्ड वन है 12 96 12 96 57 84 कॉमा नेक्स्ट है 30 76 897 नेक्स्ट है लास्ट 27 89 988 वन सेकेंड, मैंने एक हिस्ट्री करी है, इनके बीच में आप लोग कॉमा की जगह ग्रेटर साइन लगाइए। यस ओके, क्योंकि हाईएस्ट डिजिट टू लोअर जा रहे हैं हम। जस्ट असेंडिंग ऑर्डर्स डिसेंडिंग, हमने कौन सा किया है ये डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में क्या होता है हमारा ग्रेटेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, देन उसके बाद देन अगेन देन अगेन देन अगेन, फिर सबसे स्मॉलेस्ट आता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट तो स्मॉलेस्ट। ये हमने किस में कर दिया इसको कन्वर्ट, हमने इसको कन्वर्ट किया है डिसेंडिंग में। अगर हमें असेंडिंग में कन्वर्ट करना डी ई एस सी ई एन डी आई एन डी डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके इज दैट डन, ओके हैव डन, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर डन है। अब हम असेंडिंग ऑर्डर्स में इसी को कन्वर्ट करके मैं आपको शो कर रही हूँ। असेंडिंग ऑर्डर्स में हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर्स में सबसे स्मॉलेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर है हमारे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो विच वन इज द स्मॉलेस्ट, जो हमने लास्ट पोजीशन जिसको दी थी दैट इज अ 27 27 899 88 दैट इज द लास्ट पोजीशन थी, तो हमारा ग्रेटर साइन अपोजिट चलेगा, ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इसी को अपोजिट कर देंगे 30 76 897 दिस इज अ फोर्थ पोजिशन। नेक्स्ट है थर्ड पोजिशन 12 96 57 84 नेक्स्ट है 213 45 603 नेक्स्ट है 12 96 54 503 Okay, this is a descending order. This one is a ascending order. Descending order, greatest to smallest. In ascending order, smallest to greatest. You are studying in a class first day. ठीक है, class first day आप लोग किसी order में कर रहे हैं। Yes, Yashika, what's the problem with that? मैम जो असेंडिंग ऑर्डर वाला है वो भी कॉपी में अभी इसके साथ ही करना है। यस बेटा, यस यू आर इन अ फिफ्थ स्टैंडर्ड याचिका, यू जस्ट थोड़ा सा अपने आप भी कुछ करिए, है ना, हर चीज मैम से नहीं पूछनी है, मैंने उसी के साथ करा है, इसीलिए आपको सॉल्व करना है, आपको कॉपी में एडिटिस करना है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। ओके, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग हैव डन, ग्रेटेस्ट हाउ टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर ये भी आप लोग का डन है, तो एक्सरसाइज 4 हैव डन। एक्सरसाइज 4 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिलअप्स फिलिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस विद एप्रोप्रिएट सिंबल्स, ठीक है, इसको आप बुक में ही कंप्लीट कर लीजिएगा। सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ में आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद है हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 में मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग की स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों गई है, आपकी फर्स्ट क्लास में कितनी स्ट्रेंथ थी, कौन है
आर्यन यस आर्यन यस मैम हाउ मेनी स्टूडेंट बिफोर द क्लास जस्ट बिफोर जो क्लास थी उसमें कितने स्टूडेंट्स थे No idea. Okay, beta, done कीजिए आप फटाफट fast. Do it fast. Exercise 5. International place value chart have done. Yes. Yes, all of you, is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोग इतना साउंड जो जिनको जिनको कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं करना है बी क्वाइट जो क्वेश्चन पूछ रही हैं प्लीज लिसन केयरफुली उनको तो आप मुझे सुनने दो मैं अब मुझे ये नहीं पता चलता कि किसने हैंड रेस किया है किस कि किसको नीड है या किसी ने पहले से ही हैंड रेज किया हुआ है बेटा यस कार्तिक कार्तिक मैं जो लास्ट में असेंडिंग और डिसेंडिंग टॉपिक में करना है ना हां बेटा व्हाई आर यू आस्किंग दिस लाइक दैट क्या फर्स्ट क्लास के बच्चों की तरह क्यों क्वेश्चन पुट अप करते हैं आई जस्ट वांट दैट कि यू आर इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड आप लोग प्लीज थोड़ा सा अपना सेंस है अपने पास यूज करके आप लोग यूज करिए उसको आई हैव डन वेल डन ओके आप लोग प्लीज अगर मैंने जो बोर्ड पे किया और मैंने आप लोगों को लिखने से पहले स्टार्ट किया था कि जस्ट राइट डाउन इन योर कॉपी ओके आज कैमरा वैसे चालू है ओके ऑल ऑफ यू ओके Exercise 5. Yes, Vikas. Ma'am, lunch time ho gaya. Arey wa, ab to aapne bata diya lunch time ho gaya aap logo ka. Isliye hand raise kiya tha aapne. Yes, Hanshika. Any problem, Hanshika? Hanshika. आदित्य 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 रंजन आदित्य सहरा आप तो कैमरा ऑफ करके भी बैठते हैं आदित्य सहरा आप क्लास को चालू क्यों नहीं करते हैं आदित्य आदित्य सहरा आदित्य सहरा Yes, Aditya Shera. Yes, ma'am. आप कैमरा क्यों ऑफ करके बैठते हैं बेटा आप क्लास अटेंड करते हैं ना Yes, ma'am. कैमरा चालू करके बैठा गया ठीक है स्विच ऑन योर कैमरा ओके इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू
that you are done. Okay, आप अपना होमवर्क लिखिए. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, आप लोग अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए फास्ट. मैं यहाँ पे स्मॉल बॉक्स में लिख रही हूँ फास्ट. आपकी एक्सरसाइज 4 है. एक्सरसाइज 3 हैव डन. एक्सरसाइज 4. एक्सरसाइज 4 का है क्वेश्चंस. आप लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नोट डाउन कीजिए अपनी डायरी में. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है ए. बी. ए को लीव कर दीजिए. ए को मैंने करा दिया है. बी. डी. एफ. एच. नहीं सॉरी, फर्स्ट को छोड़ दीजिए. फर्स्ट को आपको बुक में ही फिल करना है. आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करना है. सेकंड का है ए और सी. आप लिखिए बी और सी. क्वेश्चन नंबर थर्ड का है. पास कीजिए और आप लोग अपना लंच टाइम में आप लोग लंच कीजिए. थ्री का है बी. बी एंड ई. ए. वन सेकेंड बेटा. ए सी ई. ए सी ई. एंड क्वेश्चन नंबर फोर है. क्वेश्चन नंबर फोर का करना है आपको बी और डी. बी एंड डी. ओके डू इन योर कॉपी. डोंट आस्क मी अगेन एंड अगेन कि मैम कहाँ करना है, कैसे करना है. इसी तरह से आप लोगों को जो अरेंज करना है आप इसी तरह से अरेंज करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में. ओके इज दैट डन. ओके ऑल ऑफ यू से बाय टू ऑल. मैम इन प्रैक्टिस कॉपी. ओ बेटा जी योर क्लास वर्क एंड होमवर्क कॉपी जो बनाई है वो जो आप लोगों को होमवर्क दे देते जो आपकी क्लास वर्क एंड होमवर्क कॉपी है उसी में ही करना है. ठीक है अभी मैंने वन कॉपी ही मंगवाई है आपसे. क्लास वर्क एंड होमवर्क कॉपी अभी सिंगल कॉपी बनाई है उसी में करना है. प्रैक्टिस कॉपी में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं वो आपको करने हैं. ठीक है प्रैक्टिस कॉपी में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है जो मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिए वो डू इट योरसेल्फ आपको अपने आप करने हैं. ओके से बाय बाय ऑल ऑफ यू. ओके बेटा. ओके मैथ्स की टू कॉपी. आप लोगों ने अच्छी अगर जिन्होंने बनाई है इट्स ओके. बट आप अभी जो वर्क में कह रही हो आप एक ही कॉपी में करना क्योंकि सबमिशन के लिए आप दो दो कॉपी देंगे तो फिर आपका काम अधूरा रह जाएगा. आप एक ही कॉपी में मुझे भेज दीजिए जिससे आई एम वेरी मेरे लिए भी इजी हो जाएगा चेकिंग के लिए. ओके ओके बाय. दिस इज योर लंच टाइम. जस्ट रीजॉइन योर क्लास आफ्टर 12:30.